खम्मागड़ी राम राम है सबको, खम्मागड़ी सबको। सर पे चोर खैर छोर, एक से एक नंबर है। पावर पैक गाने सुनते हैं। आज हो गई हमारी सुबह, बड़ी लेट हुई भैया सुबह हमारी। हाँ तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है, मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो, नीचे कमेंट कर बताना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये शर्ट हमने कल भी पहनी थी और आज भी पहन रहे हैं, मतलब तू क्या कर रहा है, कोई नहीं ये गंदी नहीं हुई ना कल, मतलब थोड़ी सी ठंडी हो गया तो पसीना नहीं आ रहा आजकल, तो अपने यही पहन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास लोग ऐसे। तुझे क्या हो रहा है, हाँ नहीं आया इसमें पसीना नहीं आया। और हमने भाई शॉर्ट्स एडिट कर लिया एंड टाइम पे, शॉर्ट्स एडिट करके और ऑफिस का थोड़ा सा काम भी कर लिया हमने। हाँ किसका, किसका, उसका, उसका किसका, तू भी, तेरे को भी क्या पवन भैया का रोग लग गया, वो देना, तू बोल रही है उसका वो देना, अबे यार वो क्या ही है, हाँ पवन भैया का समझ में आता है ना, इसका समझ में आता है, वो देना। ये देखो यहाँ छेड़ करना है मेरे को, गिरवा दी इसे, देखो भाई इसने मुझे परेशान कर दिया, अभी एकदम अभी मर जाता मेरे नीचे आके। तो भाई आज रास्ता थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा क्या तुम लोगों को? हाँ लगना चाहिए, क्योंकि आज मैं तो ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, मतलब ऑफिस नहीं एक है तो गवर्नमेंट ऑफिस ही, बाकी मुझे वहाँ पर थोड़ा सा काम है ना, तो अपने क्या करते हैं वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से एक फ़ाइल लेनी है मेरे को, तो उस फाइल को लेकर फिर मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा। और भूपेंद्र जी आ रहे हैं तो मैं उनके साथ निकल जाऊँगा, मतलब वो मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं स्पेशली, कोई नहीं पर थैंक यू, अपने पहुंच जाएंगे ना जल्दी जल्दी, बाकी कोई नहीं भैया निकल गया मैं यहाँ से, हमारा काम हो गया। कल तो भाई साहब मेले में गए थे, कल तो वो था भोजपुरी हंगामा। हाँ वी रीच ऑफिस फ्रॉम डिफरेंट गेट, सो हाउ एम आई लुकिंग, नाइस ऑफिस। और आज मैंने सुना कि पंजाबी नाइट है दशहरे मेले में और MC स्क्वायर आ रहा है, मजे आ, चलो अपने भी रोम रोम करेंगे। वो बेटे वादे कर रहे थे, मैंने कहा यार वादे कर रहा हूं, वो ग्राउंड पे ना एक वो घूम रहा था, वो चले चले थे, हां वो गाड़ी घूम रही थी, हां मेरे को बरसात आई है यार, मैंने कहा बारिश आई, तो फिर मैंने कहा यार चलेगा नहीं, मैं पर वो काफी देर तक बातें करते, मैंने कहा 5 मिनट 10 मिनट, मैंने कहा ड्रिंक्स ब्रेक भी नहीं है, बरसात भी नहीं आ रही, ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा, और फिर बाद में फिर स्कोर बोर्ड दिखाओ उन्होंने, तो क्या 56 पे 56 बनाए थे, 55 पे 55, क्या वो ऑल आउट होगी, अरे मैंने कहा यार ये क्या हुआ है जिंदगी बर्बाद, मैं तो सो रहा हूँ मैच देखने का, मजा लेंगे, मजा कुछ नहीं है, ये है ना ये बात होगी, मतलब ठीक है हो गया बाय बाय, हॉस्पिटल समाप्त है ना, ऐसी बात नहीं बढ़िया, तो मतलब मैं भी क्या कर रहा था, मैं सोचा कि बढ़िया मैच होएगा, मैंने तो भाई 13-14 पे 6 विकेट हो गए थे ना, शमी ने 2 विकेट लिए थे ना, मैंने तब तक देखा था मैच, तो उसके बाद तो 7 विकेट हो गए थे, मैंने कहा भैया इंडिया जीती जानी, अब तो क्या ही रह गया, उसके बाद शमी ने, फिर मैंने लास्ट में मेले में चल गए थे, हम मेले में जाके फिर हमने देखा कि भैया मेले में तो रोज़ जाना है, मेले में रोज़ जाना, आज भी जाएंगे, आज तो MC स्क्वायर आ रहा भाई साहब, अपने तो आज तो जाएंगे पंजाबी नाइट, आज ये भी रिकॉर्ड कायम करना, अपने को रोज मेले में जाना है, नहीं 2 दिन की छुट्टी होगी यार मेले में जाने की, शायद उसे ये गलत बात है, पिताजी का नाम ऐसा कैसे हुआ, मतलब हम छुट्टी कर सकते हैं तो ये हमारे कुछ आपके जरिए हम भी मेला घूम रहे हैं, जा तो रहे हैं रोज रोज कुआ है, फिर वो कह रहा है अपने रोज मेले में चल जाते हैं, उठ के मतलब आप भी देख रहे हो अपना भी कुछ कुछ छूट जाएगा, उसमें बंदे आए ताला लगा के चल गए, हम वहां कल तो हमने नई गली एक्सप्लोर करी भूत बंगला वाली, हम प्रोसेस कर रहे हैं तो यहां पे कुछ गलत बता रहा है अकाउंट वाला, कल वाला व्लॉग नहीं देखा, जाके देखो नंबर वेरीफाई कर रहा है मेरे को आपका अकाउंट, कौन सा अकाउंट लगा रखा है उसके नंबर, सही आवाज है यू, पता नहीं क्या इल्यूजंस टाइप ना, कोई नहीं पर आज तो जाना है, आज तो कंफर्म जाना है कि जाना तो वहीं जाके जाएंगे 7 बजे, ताकि मैं मैच कर लूंगा यहां पे, MC स्क्वायर आ रहा है सबसे आगे खड़े होंगे हम, गलत हो जाती है ना तो भैया बहुत दिक्कत आती है बाद में, पता नहीं वहीं पे चलो भैया निकल रहे हैं यहां से, घूमते फिरते आदमी अपने पीछे पीछे बैठे, तब मेला जो है हमने अभी देखा नहीं है, मतलब कल सोचा था आएंगे पर नहीं आए, कोई बात नहीं, राजस्थानी स्टाइल में ले ली सिम अपने सर के लिए और अभी हम लोग निकल गए यहाँ, बढ़िया है।
6 बजने का था कि ऑफिस ऑफ हो और हम घर चले जाएं, और घर से आने के बाद आज तो भाई अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट है, क्योंकि आज जो है एनसी स्क्वायर आ रहा है, जो मैंने बहुत बार बताया था कॉल वीडियो में, मैं उसकी अलग एक्साइटमेंट है। तो मैं भाई जाऊँगा, बैग पकड़ूंगा, खाना खाऊँगा, और खाना खाते फिर सीधा निकल लूँगा मैं मेले के लिए, क्योंकि मज़े एनसी स्क्वायर आ रहा है भाई, गाने सुनेंगे, मत मजे करेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घूमेंगे। और हमारी पत्नी ने हमसे मेले में आने के लिए रिश्वत मांगी है, उसको मोमो खाने हैं, तो एज ऑलवेज मोमो खिलाएंगे और फिर निकल जाएंगे भैया। बाकी आज आज की बात अलग है यार, आज तो मज़ा आया, मतलब कतई ही मज़ा आएगा, इसमें भी मज़े हैं, अपने भी मज़े लेंगे। भैया शाम के 6:05 हो गए हैं और तुम बाहर देखो, मतलब तुम बाहर देखो, इतना अंधेरा हो चुका है, ये आदमी भी है अपने साथ में। और हम लोग निकल रहे हैं भाई, और घर पे जाके सीधा खाना खा के अपने को वापस मेले में आना है। क्यों? क्योंकि इसका कारण हम तुम्हें पहले बता चुके हैं, तो तुम लोग देख चुके हो कि हम क्यों जा रहे हैं, मतलब हम नकटे हैं, हम रोज मेले में जाएंगे। और तुम मेला देख लो भाई यार, ये तो उल्टा हमारी बिल्डिंग, और ये हमारी ऑफिस की बिल्डिंग, तुम देख रहे हो ये दुल्हन से कम नहीं लग रही है आज, आज के बहुत दिनों से, बहुत दिनों से तुम समझ जाओ नहीं लग रही है पवन भैया, बहुत सारी लग रही है, एक एक निकालो तो पता भी नहीं चलेगा। एक ही 60 रुपये की आती है। अरे एक एक निकाल लो, 60 रुपये की नहीं है, बहुत लंबी वाली है, नीचे घड़ी भी हो रही है। मेरी बात सुनो, 60 रुपये की तो आती है, अरे जितने की भी आती है, मेरी बात सुनो, इधर से कर, यहाँ से एक निकालो, इसका इसका जो बंद है वो निकाल ले। नहीं ठीक है ठीक, करंट नहीं लगा, यहाँ से निकालो एक एक। सर प्लानिंग चल रही है तो भाई रूम पर आकर मैंने खाना खा लिया, और अब लालू तैयार हो रहे हैं और मैं भी तैयार होता हूँ, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं मेले में, बस इतनी सी बात है, बाकी बातें हम बता चुके हैं, ज़्यादा बात करनी नहीं है। आते से मैंने खाना खाया, क्योंकि भयंकर भूख लग रही थी, तो ना वीडियो बनाया ना ही कुछ, और अपना बस खाना खा लिया, अब चलते हैं अपने मेले में। मेले इससे वेट नहीं हो रहा भाई, सही बताऊँ ना, मेरे इसको पहन के जाने का बहुत मन है, लेकिन बाहर गर्मी है तो अपने इसको उतार के बस खाली देख रहा हूँ कि कैसा है, बस वीडियो देखूँगा उसके बाद देखा जाएगा। ऐसा लग रहा है मैं 2-4 तारीफों के फुल बांधना, मेरे नहीं मानेगी, अरे एकदम सुहाना लग रहा है तू, एकदम पटाखा लग रहा है तू, बम लग रहा है, बम, अरे चंद्रमा लग रहा है, बम लग रहा हूँ मैं, ऐसा मत बोल, अभी पता नहीं कहीं चल के फट जाऊँ। भाई हम लोग निकले हैं मेले के लिए, और आज जो है और दिनों के कंपैरिजन में ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि तुम समझ ही सकते हो कि क्यों होगी इतनी भीड़। भाई देखो तुम आज से यहाँ पर, हाँ आज ज़्यादा भीड़ है थोड़ी सी ना, क्या कह रही है तो क्या कह रही है, मौत का कुआं है, तेरे को जाना है क्या मौत के कुएँ में, ये देखो ये टाइम है, और आज तो भाई तकड़ी सुन गई क्या, अच्छा पीछे ये क्या कर रहे थे बाबू, आज तो भाई आज तो गजब ही भीड़ है, मतलब तुम देख लो इसको ही पकड़ो, गजब की भीड़, हाँ वो गाना गा रहा था ना उधर, वो हम हम अपने आप को शूट कर लेते हैं, ये देखो हमारी पत्नी अपने अपने भी जादू सीख गया अपने, बढ़िया हो गया यार ये भी भैया, ये बढ़िया हो गया, हमें कुछ तो मिला डंग डंग का यार बाबू, यहाँ पे बढ़िया है लेकिन ना लंबा करें इसको, ये भी बढ़िया कर रहा है यार, अरे अंकल जी हट जाओ, अरे इसका हाथ ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, फिर दिक्कत आएगी भाई, तू क्या देख रही है इसे, पहुँच लिया हम तो, सुने संध्या ये भी बढ़िया है गुरु, चलो भाई ये है सुने संध्या, अंदर बिठाएंगे भाई, अपने भी अंदर बैठ जाएंगे, अंदर आ चल बढ़िया, अंदर वहाँ चल के बैठते ना आगे, चल चल आ जा, मेले ने हमें एक दोस्त मिलाया, देखो इधर इसका नाम विजय है, और ये हम दोनों 11th और 12th में साथ पढ़े हैं झलावाड़ ओल्ड ब्लॉक स्कूल में, क्यों भाई तू सब्सक्राइब भी कर साले, तेरे से भी सब्सक्राइब करवाना ज़रूरी है, बाकी ये थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे स्टार्ट होने में ना, बिल्कुल बोलो सियावर रामचंद्र की, एक बात और यही प्यार और दुलार जो हमारे बहुत दूर से आर्टिस्ट आए हैं वो आपके बीच में लेकर जाएंगे, और एज वी नो कि किसी भी कार्यक्रम का आगाज गणेश वर्मा के साथ बिल्कुल कर चुके हैं, हम कहते हैं कि सुपर सिंगर्स है इंडिया
एवर बैंड और थ्री एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉलीवुड सिंगर रिया भट्टाचार्य, विवेक मिश्रा, तोड़ सा सरकार, और जो वो धमाल मचाएंगे मैं श्योर हूँ, मेरी गारंटी है कि आज प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप यहाँ से हिल नहीं पाएंगे। तो यही आपका प्यार बरकरार रखिएगा, हमारी कोटा की जनता देंगी हमारे बनाया से इतना सो
बॉयज हैं जिन जिनको लगता है कि मैं प्रिटी हूँ, थोड़ी बहुत सुंदर दिख रही हूँ, दिख रही हूँ ना, तो थोड़ा गाओ यार मेरे लिए, गाओ प्लीज, कम ऑन, एक लाइन मैं गाऊंगी, आप लोग गाओ, इतना सोना क्यों, इतना सोना क्यों, थैंक यू थैंक यू। अच्छा चलो एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मैं मैडम को बुलाती हूँ, मैडम एक बार स्टेज पर आइए, आओ शाम को रात किया कर, पहले सपनों में जब मुझे साथ किया कर। कुछ दिनों में दिवाली भी आने वाली है, तो हैप्पी दिवाली सबको, और एक बार ना मॉनिटर्स की आवाज थोड़ा सा कम कर देना, मॉनिटर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, चेक कि मॉनिटर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक बार चेक करना, चेक हाँ ठीक है, और जो म्यूजिक का साउंड है ना मेरे नियर में भेजे कोटा बनेगा इंजीनियर, कहीं ऑफिसर लगेगा, मैं कभी आ ही नहीं पाया यार, तो सिकंदर कालो भाई की एक लाइन है कि करनी सी डिग्री पर साड़ी हुई नहीं, हाय हाय क्या बात है क्या बात, हेलो चाटू का दे दो, हां क्या हो गया, हरियाणा तो आया रागड़ी साउंड लेके आया है, तो थोड़ा सा कह हमारी थोड़ी भाषा में कह दे, थोड़ी सी बदमाशी भी करी देंगे, सिंह सौ तरफ पे चोर तेरा टिका गाड़ तार पे है पीतल के ताक।
दिखेगा तुम्हें किसे की भी रोज छोरा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कह आज ही हम भी कर सके तो हमने ट्राई करी और आप लोगों के सामने खड़ा हूँ आज। तो भाई एक बार सुन लीजिए कैसे करता हूँ रैप। भाई सुनना वाला है क्या? ये रैप में आता हूँ मतलब भाई भी लीजिए नंबर था। Yes I'm 101101 मेरे पास की कुंड पे सारी बंदी मगन करूँ आउट इस सबकी नई बंदी से कम हसन से ले बताइए नेत्री शकन। Yes I'm 101101 मेरे पास की कुंड पे सारी बंदी मगन करूँ आउट इस सबकी। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अपनी डिग्री नहीं देखता। सही बात है भाई, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। हम अरे भाई ये तो डिग्री तो सब कर रहे हो। हम रैप गाएंगे 101 1012 भाई तू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी भाई एक ना मेरा अनरिलीज गाना है वो परफॉर्म करूँ यहाँ पे। अरे यार रोम रोम गाए तो सोच रहा हूँ यहाँ पे परफॉर्म कर दूँ भाई। ऐसा है कि सस्ते बदमाश लोग बैठे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो देसी गवाह आ रहा है कुछ भी कर देते हैं पॉप के नाम पे। मैं भूल लाना यार सारे दिन दौड़ के मेरे यहाँ कहना कुंजी तू रैप यारी खोल करी तीन पांच नाम आ गए रिप जोड़ दे। थमना बेरा ही है कदी बड़ मारे प्राण दर्द देख मारे ठाट तेरे शहर घूमे घैर बड़े मावस की रात चले आख्या में कांड या कावड़ की बाढ़ तू न समझेगा ज्ञान हट पावड़ की जात एक मिनट में से खदू तमें हिप हॉप के मका भूला ना या सारे दिन दौड़ के मेरे आगे न कुंजी तू रैप यारी खोल करी तीन पांच नाम आगे रिप छोड़ दे ये कुंज बड़े गैंगस्टर जो ब्लेड ले। बहुत बढ़िया आजकल के सोचे है। रोम रोम माल खड़ा तेरा
चार बालों में हाथ मारा रस्ते में चलते वहां जाकर देखा सारा सीन ये लगता कह रहा स्कूटी लग गई भाई अब ये जाने नहीं दे रहा करा ना जात का फिकर घर बार में नई कमी थी राम का शुक्र कला की बात के कला के है ना बेरा था कंचा गोली गिल्ली डंडा शाम कद सवेरा था बापू की मार अरमान है करा लाड चार दिना में ते एक गुजरा कोई ना बखे ये देखो भाई एमसी स्क्वायर को सुन रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन है कौन सा मैंने तो पहली बार चल भाग गया भैया अपने दूर आ गया थोड़ा सा पहले वहाँ बैठे हुए थे मतलब वहाँ पे खड़ा हुआ था मैं उधर उस वाली लाइन में अभी इधर आ गया भाई एक बार एक बंदा कोई क्लियर बोल दो बोल कर रहे सच में मुझे समझ नहीं आ रहा यार सॉरी प्रदीप जी और वहाँ बैठे हैं भाई वो वहाँ बैठे हुए जम के मेरे को पहले मिल जाता मैं निकल लेता उधर क्या भाई सबको सबको सुनना है भाई पावर पैक गाने सुनने पावर पैक बहुत रोज हो लिए यार छोड़ो पावर पैक गाने सुनते चलता है कार जो टुकड़े टुकड़े कर देता है मैं बताऊं भाई नैना की तलवार भाई ये है गाना सुना है किसकी से सुना है